कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन हमने वाद्य वादन में आराधना भी हमने नहीं की, ऐसे खड़े हो गए। चलिए कोई बात नहीं, दो लाइन में वंदना सुनिए, उसके बाद में सीधे सवाल की। क्या बात है, पुनः सभी को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए सबका आशीर्वाद ले रहे हैं और चलते हैं सीधे कार्यक्रम की ओर। हाँ, जब भी कोई कलाकार मंच पर खड़ा होता है या कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो उसमें माता भवानी की आराधना और भगवान गणेश की आराधना अति आवश्यक होती है, तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए ये चंद पंक्तियां शब्द सुमन श्रद्धा सुमन महामाई और भगवान गणेश के चरणों में समर्पित है और आप सबकी सेवा में। माँ की वंदना सभी लोग करते हैं, वंदना करने में कोई भी कलाकार सक्षम नहीं है, कोई भी विद्वान सक्षम नहीं है, आप लोग जानते हैं। अगर कोई वंदना करने में सक्षम होता तो फिर कोई भी पूजा पाठ के बाद ये ना पढ़ा जाता, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पुस्तम मैं देवी प्रभु तदस्मे आवाहनम न जानम न जानम विसर्जनम पूजाम च न जानम क्षमताम परमेश्वरी। चलते हैं मामे के दरबार की ओर, कहना क्या। कहना है क्या, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर सम प्रभा निर्विघ्नम कुरुमे देव सर्वकारेषु सर्वदा। आप सीधे चलते हैं मामा के दरबार की ओर, माँ को मनाते हैं, माँ को बुलाते हैं, शायद मेरे अकेले बुलाने पे ना आए। हाँ, यदि आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करके महामाई को मनाएंगे, उनको बुलाएंगे, तो बिल्कुल पक्का है एकता में बड़ा बल होता है। हाँ, माँ जरूर आ जाएंगी, क्योंकि नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, माँ तो हर जगह विद्यमान, हर जगह पूजा हो रही है। हाँ, इस मंच पर विराज हनुमान हो जाए ताकि दोनों कलाकार की ओर से कार्यक्रम सम्पन्न हो जाए। कहना है क्या, पाप से भरी है अगम्य भंवर में है नाव, तो बन के खिवैया नैया पार तो लगाओ माँ। मैं पात की कुपुत्र हूँ फिर भी तुम्हारा पुत्र हूँ, तो पावन ये नाता पुत्र माता का निभाओ माँ। के फूल करके मध में मैं तुमको भूल जाता हूँ। ऐ माँ, मानव होने के नाते कभी कभी मन में अभिमान आ जाता है। हाँ, फूल करके मध में
मैं तुमको भूल जाता हूँ तो मेरी भूल को भुला दो ना मुझको भुलाओ माँ। और कहना कि जानकी रमन की करुण भरी विनय सुनकर करुणामयी करुणेश्वरी बेग चली आओ माँ। बहुत बढ़िया कहना क्या के माँ वरदायनी दे माँ हो माँ सरगल के सर को सवारो माँ सार दे माँ के माँ वरदायनी और माँ स्वरदायनी तो सर कृपा कर अब निहारो सारे दे कहना मा आपकी पूजा कैसे होती है उसका विधान मुझे नहीं मालूम। कौन सी सामग्रियां लगती है, पूजा कैसे होती है, आवाहन कैसे किया जाता है, विसर्जन कैसे किया जाता है, कैसे मुझको उसका विधान नहीं मालूम भैया। और ना तो कोई सामग्री जानकी रमन के पास है जो आपके चरणों में अर्पित कर सके ना। तो कहना है क्या हो पूजा जपू तपू और संयम नियम व्रत और जानो ना अर्चन अगर कपूर ना तो अगरबत्ती कपूर हमारे पास है अगर कपूर और धूप दीप नहीं रोली है ना चंदन बहुत अच्छे तो करो आवाहन क्या करो आराधन और तेरा आराधन तो सुनकर पुकार अब पधारो ना
सुनकर पुकार अब पधारो माँ शारदे माँ शारदे और कहना माँ क्या ना मैं कोई विद्वान हूँ ना कोई कलाकार हूँ, मुझे कीर्तन की विधा या स्वर संगम ज्ञान नहीं है, राग रागनी क्या होते है इसका मुझे ज्ञान नहीं माँ। कहना पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद और साथ में पुष्पहार हमारे परम आदरणीय श्री वीरबल निषाद जी की ओर से हैं। भैया को मैं दिल से नमन कर रहा हूँ, इनके सौजन्य से यहाँ तक पहुंचा हूँ। बार बार आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आपने मुझे दोबारा ये अवसर प्रदान किया। जय हो बात है। और 121 पत्र मुद्राएं हमारे भैया आर्मी बाबू इंडियन आर्मी से मेजर श्री पंचम लाल निषाद जी करेला बाग बालू मार्केट प्रयागराज, आपकी ओर से हृदय से नमन कर रहा हूँ, धन्यवाद है। और एक बहुत बहुमूल्य आशीर्वाद प्रथम पुरस्कार 501 मुद्राओं का और साथ में पुष्पार हमारे पूर्व पार्षद जी सभासद क्षमा करें पूर्व सभासद जी हमारे नंदा निषाद जी की ओर से हैं। मैं हृदय से आशीर्वाद ले रहा हूँ और हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, दमन कर रहा हूँ, जहाँ भी बैठे हैं। जय हो अज्ञानी हूँ हमारे आदरणीय पिता तुल श्री चाचा महन निषाद जी की ओर से हैं। बहुत प्यार आशीर्वाद मिला है आपसे, हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, नमन कर रहा हूँ, आशीर्वाद की कामना है और साथ में कुछ पहाड़ भी है, हृदय से नमन है ना। और स्वर सर गमोले तान नहीं है के स्वर सर गमोले और तान नहीं है तो हो जाओ मात सहायक। जब तक आपका सहारा नहीं मिलेगा माँ, हाँ ये सारे कलाकार मैं क्या, संसार के सभी कलाकार बेकार हैं बिल्कुल, और मैं तो सभी कलाकारों के चरणों की धूल हूँ। हाँ तो लाल हूँ तुम्हारा और हमारे आदरणीय पिता तुल चाचा की ओर से ये बहुमूल्य आशीर्वाद साथ में पुष्पहार आया है, जैसे बार बार प्रणाम है, नमन कर रहा हूँ। कहना लाल हूँ तुम्हारा तो दे दो सहारा और हमें भापार से उतारो मां।
माँ की वंदना जितना किया जाए, माँ की वंदना जितनी की जाए कम है। माँ की वंदना का मतलब जो कभी बंद ना की जाए, जो कभी बंद ना हो वही माँ की वंदना है। वंदना को बंद करना पड़ता है जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, क्योंकि संपूर्ण रात्रि माँ के भजन कीर्तन होंगे, तो इसलिए कहना है क्या अंतिम पंक्तियों में ओ, 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 चुनरी ननारियल सम्मान भैया अरविंद निषाद जी की ओर से ये 21 पद मनाए भैया को धन्यवाद कहना क्या माँ चुनरी ननारियल और ना तो है ऋतु फल ना तो है फूलों की इस जानकी रमण के पास कुछ अर्पित करने के लिए नहीं है, बस ये मानसिक पूजा कर रहा है जानकी रमण मैया। मानसिक पूजा आपकी हो रही है, कहना है चुनरी ननारियल ना तो है ऋतु फल और ना तो है फूलों की माला है क्या मेरे पास क्या के शब्द सुमन के जो आपकी कृपा से जो आपके द्वारा आपकी कृपा से जो हमारे मुख से जो भी शब्द निकल रहे हैं यही पुष्प है आपके लिए कहना है के शब्द सुमन के और श्रद्धा सुमन के शब्द सुमन के और श्रद्धा सुमन तो अर्पित है गीतों की माला शाबाश अर्पित है गीतों की माला क्या कि है अभिनंदन मेरे महाराज के सिर है अभिनंदन करूं पद बंदन तो नंदन जमन को उबारो शारदे शारदे शाबाश वाह भाई अनिल वाह थोड़ा थोड़ा सा माइक देख ले।